दिनांक 11/12 मई की देर रात्रि करीब 1 बजे डायल 112 पर थाना धानेपुर क्षेत्र निवासी रिजवान नाम के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता को कुछ हमलावरों द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर मौका मुआयना किया गया। घायल अवस्था में जो ये व्यक्ति थे, इस कॉलर के पिता, इनको तत्काल उपचार हेतु CHC भिजवाया गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु ये जिला अस्पताल रेफर हो गए और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में जो मृतक हैं, उनकी पत्नी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। CEO सदर के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो इसमें मुख्य आरोपी था रिजवान, जो इस घटना का कॉलर और इस मृतक का बेटा था जो मुख्य हत्यारोपी, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से आला कतल जो सिलबट्टा घर में रखा हुआ था जिससे ये घटना कारित की गई थी, उस सिलबट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में जो ये आरोपी है रिजवान, उसके द्वारा बताया गया कि वो विवाहित है और उसकी पत्नी करीब 3 महीने पहले झगड़ा करके घर छोड़कर उसे चली गई है। अपने सगे चाचा की बेटी से वो प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, और जब घर वालों को इस बात की जानकारी हुई तो ये जो आरोपी है उसके पिता के द्वारा और चाचा द्वारा इसका विरोध किया गया, और आपसी सलाह मशवरे के उपरांत जो लड़की है उसको अपने भाई के पास हैदराबाद भिजवा दिया गया। इस बात से ये लगातार खिन्न चल रहा था और घटना वाली रात को यानी 11 मई की देर रात इस बात को लेकर आरोपी रिजवान का अपने पिता से विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान पिता द्वारा अपने बेटे को थप्पड़ भी मारे गए, जिससे क्रोधवश पास में रखा सिलबट्टा उठाकर जो आरोपी रिजवान है अपने पिता के ऊपर उसके द्वारा प्रहार कर दिया गया, और इन प्राण घातक चोटों की वजह से जो ये मृतक है उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।